guys, welcome back to our channel. I'm Snehal. I'm Hardy. And together we are Snehardy. तो आपको ये दीवार देख के लग ही रहा होगा कि आज हम करने वाले हैं ट्विन टेलीपैथी चैलेंज। और ये दीवार थोड़ी टेढ़ी सी है, बट अभी हम उसको छूएंगे ना तो ये टूट जाएगी। इससे अच्छा इसे ऐसे ही रहने देते हैं। यस। सो आज के चैलेंज में हमारे पास 3 राउंड्स हैं। फर्स्ट राउंड होगा फूड राउंड, उसमें हमारे पास दो दो चीजें होंगी फूड आइटम्स, वो हमें गैस करनी है। सेकेंड राउंड होगा जनरल थिंग्स राउंड, तो उसमें हमारे पास कुछ जनरल थिंग्स है, उसमें से हमें पिक करना है। और थर्ड राउंड होगा हमारा क्वेश्चंस राउंड, सो उसमें हमने 3 क्वेश्चंस ऐसे पिक किए हैं। वैसे हमने नहीं किए, हमारी मम्मी ने चूज किए हैं ताकि हमें पता ना चले, वरना तो हमें आंसर ऐसे ही पता चल जाता। सो 3 क्वेश्चंस है, वो हमें पूछना है और आंसर देना है। सिंपल। हमारा फर्स्ट राउंड जो है फूड राउंड, उसके लिए फर्स्ट हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं आइटम्स हैं वो है ओरियो और नाइस, ये दोनों बिस्किट्स भी उल्टा दिख नहीं रहा है ना। नहीं हाँ, बस सामने दिख रहा होगा। नहीं सामने हमें देखना ही नहीं है। हाँ हमें नीचे ही देखना है, नीचे देखना है। ये दीवार गिरे नहीं तो अच्छा है। ओके सो 1 2 3 गो। दोनों को पसंद है ओरियो। yes, मुझे ये भी पसंद है पर ये ज्यादा पसंद है। मुझे ये नहीं पसंद। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में हम दोनों को पॉइंट्स मिलते हैं। एक एक गाइस, सेकंड राउंड के लिए हमारे पास ये कुरकुरे के ऑरेंज वाले कुरकुरे और ये येलो वाले, इसको तो येलो वाले कुरकुरे ही बोलते हैं, बट इसका नाम क्या होता है? सॉलिड मस्ती मसाला ट्विस्टीज, इसका नाम है मसाला मंच। यस, तो ये दो कुरकुरे हैं हमारे पास। नीचे सिलेक्ट करना है, चलो नीचे देख लीजिए। 1 2 3 गो। बहुत मसालेदार होते हैं, ज्यादा ही कुछ होते हैं। हमारा नेक्स्ट राउंड है चॉकलेट राउंड, इसमें हमारे पास है डेरी मिल्क और किटकैट। हम दोनों को दोनों ही बहुत बहुत, हाँ मतलब ये बहुत टफ है कि क्या गेस किया जाएगा। चलो पता नहीं, मैं भी कंफ्यूज। आई डोंट नो। ठीक है चलो, ठीक है 1 2 3 गो। मतलब मैंने डेयरी मिल्क हमें अच्छी लगती है, पर अभी थोड़ा बहुत मुझे डेयरी मिल्क कम पसंद आती है। किटकैट ज्यादा पसंद आने लगी। आई जस्ट लव डेयरी मिल्क। मुझे पता लगा था कि मैं किटकैट लूं, फिर मैंने डेयरी मिल्क ले ली। कोई नहीं, तो अभी तो हम दोनों के दो दो पॉइंट ही हुए हैं। ये पॉइंट हम हार गए हैं बिकॉज इसकी वजह से नहीं, तेरी वजह से नहीं। इसको बहुत पसंद है डेयरी मिल्क, पहले पसंद थी अभी नहीं है। सो इसी के साथ हमारा फर्स्ट राउंड खत्म हो रहा है, यानी कि फूड राउंड। और अभी नेक्स्ट राउंड है हमारा ऐसे क्या बोलते हैं, जनरल थिंग्स वाला राउंड। सो अभी हम वो चल सकते हैं। यस गाइस, जनरल थिंग्स में फर्स्ट राउंड के पास है निविया का क्रीम, और हमारे पास दो दो डब्बे नहीं है इसके, तो अभी एक एक ही है। सो ये जो एलोवेरा वाला है ना, वो 1 नंबर है, और वो बॉडी मिल्क वाला है वो 2 नंबर है। नंबर होगा ना, हमें वो सिर्फ नंबर बोलना है, जैसे राइट हमारे पास है लिप बाम और लिपस्टिक। लिप बाम और लिपस्टिक, हमारे पास लिप बाम और लिपस्टिक है, बहुत लगाती है मुझे। बट फिर लिपस्टिक से होंठ तो खराब ही होने वाले, तो उनको ठीक करने के लिए हमें लिप बाम चाहिए। मुझे तो लिप बाम है पसंद है।
ये वाला अच्छा था ना? हाँ, ये अच्छा था। मुझे लगा मुझे लिपस्टिक पिक करनी चाहिए थी, पर अब मैंने लिप बाम ही किया है। हाँ तो हार जाती। हाँ वो भी ना हार जैसे। हमारे कितने पॉइंट्स हुए? चार चार थ्री। हम चॉकलेट वाला अभी फोर्थ हुआ ना, फोर्थ पॉइंट। ये हमारा थर्ड पॉइंट हुआ, हम एक हार गए बीच में, हम चॉकलेट वाला हार गए। ऐसा है क्या? हाँ अब तो भूल भी गए। तीन पॉइंट्स है ये। तो गाइस ये राउंड बहुत फनी है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वॉलेट और ये बैग पैक है हमारा। ये इसका तो दोनों काला काला है। काला काला मुझे ब्लैक कलर पसंद है। और मेरे तो दोनों अलग अलग हैं लाइट शेड्स में। सो ये है वॉलेट, ये बैग पैक। ये इसमें हमें मतलब चूज करना है कि कौन सा ज्यादा हम यूज करते हैं या हमें अच्छा लगता है। प्रिफर करते हैं। हां वही। सो यस यहाँ पे रख दूँ मैं ऐसे। हाँ रख दो मैं ऐसे। फिर ठीक है चलो। वन टू थ्री गो। हम दोनों ने बैग बैग चूज किया। यस ऐसे शक्ल नहीं दिख रही है। एक तो ये हिल रहा है पूरा तो। हाँ तो हम दोनों ने बैग बैग चूज किया। इसमें बहुत सारा आ जाता है ऐसा पिटारा जैसा सब कुछ। और इसमें तो कुछ है तो मेरा फोन तक नहीं आता। मेरा भी नहीं आता इसमें। हाँ बट मुझे अच्छा लगता है। मैंने एक भी चूज किया। ठीक है चलो कोई नहीं। हमारे फोर पॉइंट्स तो हो गए एटलीस्ट। यस सो इसी के साथ हमारा जनरल थिंग्स वाला राउंड खत्म हुआ। तो अभी हमारा क्वेश्चंस राउंड है। सो अभी हम क्वेश्चंस लेके आते हैं। लास्ट राउंड है वो है क्वेश्चन राउंड, जिसके लिए हमारे पास है पेजेस तीन है। तीन बच्चे तीन क्वेश्चन है और फिर हमारे पास है पेन। ओ मैं मैचिंग मैचिंग। हाँ पेन से आई है। और वैसे हम दोनों ने पहना है फिर सेम है कलर है। Yes. तो अब मेरे पास जो है यहाँ पे questions है। तो मैं first question देखना नहीं देखूंगी। First question है हमारा, who takes longer time to dress up? Okay. This one is very very easy. हम दोनों ही वही बोले। ये मेरी मम्मी ने बनाया question। बनाया मतलब choose किया है। Done. Okay, सामने दिखाना ठीक है। ठीक है वन टू थ्री गो। स्नेहल। नो वे। यस। नो मैन। इट्स अ लाई। यस नो इट्स अ लाई। ओके नाउ इट्स नॉट अ टेलीपैथी सो वी जस्ट लूज द पॉइंट। मैं नहीं टाइम लगता। इसको बहुत टाइम लगता है। बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ कपड़े चूज कर। चलो सेकंड अभी मैं दो लो। ओके so second question is what will you choose, straight hair, curly hair or your own hair? ये क्या? ये अच्छा है वैसे। हाँ वैसे तो अच्छा ही है। तो हम लिख लेते हैं हो गया। एक सेकंड हो गई। एक सेकंड भाई यार एक बोलना चाहिए था। थ्री टू वन गो। ओन हेयर। यस मैंने बाजू में अपने आप को ड्रॉ किया है जो बिल्कुल मेरे जैसा ही है। कैसे क्या अटक ऐसे इधर बाल ही नहीं इधर से निकलते इधर तक। हम दोनों को अपने अपने बाल बहुत बहुत पसंद है। सो हमारे कितने पॉइंट्स हुए? पाँच। यस अगर कुछ रॉन्ग हुआ तो मैं मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे। ठीक है यस। सो अभी लास्ट क्वेश्चन ये पढ़ेगी। मैं पढ़ूंगी। पढ़ो। व्हिच काइंड ऑफ सॉन्ग डू यू प्रेफर? क्लासिक, हिप हॉप, स्लो? मेरे लिए बहुत इजी है। मैं तो लिख रही हूँ। तुम लिखो। अरे यार मैं क्या लिखूं? तुम्हें पता मेरा तो सब सॉन्ग सुनना ऐसे पसंद ही है। पर हार्ड मेरा हो गया। मेरा हो गया। ठीक हो गया। हो गया ऐसे होना चाहिए ना कि मूड वाइज ऐसा कुछ मेंशन होना चाहिए ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हां तो ऐसे पूरा दिन कोई ढिंचक नहीं सुन सकता। कोई पूरा दिन ऐसे रोते हुए गाने भी नहीं सुन सकता। नहीं मैं तो कर सकती हूं। चलो लिखो। ऑप्शंस क्या थे? स्लो, हिप हॉप और क्लासिक। ठीक है हिप हॉप स्लो। अरे यार हिप हॉप कौन सुन सकता है पूरा दिन? मैं
पूरे दिन हिप हॉप सुन सकती हूँ, मैं सुन सकती हूँ, मैं सुन सकती हूँ, मैं सुन सकती हूँ, बस लाइक आई लव व्हाटएवर. अगर सर दर्द हो रहा हो तो भी मैं तो सुन लूँ, मेरा तो मूड अच्छा हो जाएगा. हाँ मेरे तो सारी बाहर आ जाए. सर बाहर नहीं आता, बाहर ऐसे क्यों लग रहा है ऐसे. So guys, that was it for this video. Make sure you like this video and subscribe down below. And also comment on this video and hit that notification bell. So we will see you in our next one. Until then, khao, piyo, and watch karo.